निजी बस ऑपरेटर के बाद अब देवभूमि टैक्सी यूनियन हिमाचल ने भी 27 दिसंबर को मंडी मोदी रैली में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मंडी में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर काले झंडे और बिल्ले लगाकर विरोध करने की चेतावनी दी। टैक्सी यूनियन की मांगे न मानने से टैक्सी चालक काफी नाराज चल रहे हैं। देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, बावजूद इसके सरकार ने राहत देने के बजाय पूरा टैक्स टैक्सी चालकों से वसूला है। टैक्सी चालकों ने सरकार से कोविड काल में परमिट को 2 साल बढ़ाने और 2 साल के टोल पैसेंजर टैक्स को समाप्त करने की अपील की है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही, जिसके चलते टैक्सी यूनियन ने सरकार के 4 साल के जश्न पर प्रधानमंत्री के आगमन का विरोध करने का निर्णय लिया है। और अगर अब सरकार सुद नहीं लेगी तो 2022 में वोट की ताकत से सरकार को जवाब देने की बात कही है। ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन से संस्थापक हूँ। पत्रकार वार्ता का जो मुख्य विषय था वो ये था कि प्रदेश सरकार की जो हमारे टैक्सी चालकों के विरुद्ध गलत नीतियां हैं और जो 2 साल से हमारे टैक्सी ऑपरेटर जो है बर्बाद हुए हैं, उसी के ऊपर जो हमें प्रदेश सरकार आज तक कोई भी राहत प्रदान नहीं की है, उसी के ऊपर जो आज हमने प्रेस वार्ता की है, जिसे हम 27 तारीख को जो मोदी जी की रैली मंडी के अंदर होने वाली है उसमें जो है देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी और काले झंडे लगाकर काले बिल्ले लगाकर जो है वो मोदी जी के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और स्वागत भी करेंगे। जो हमारी राहत की बात थी वो थी हमारे के 2 साल का जो हमारा टैक्सी परमिट बर्बाद हुआ है उसको एक्सटेंशन की बात है कि हमें 2 साल का परमिट जो हमारा एक्सटेंड किया जाए, और साथ ही जो हमारे 2 साल में सरकार ने खड़ी गाड़ियों के टैक्स वसूले गए हैं उसमें हमारी टैक्स माफी की थी कि हमारे 2 साल के जो है पैसेंजर और टोकन टैक्स जो है माफ किए जाए। ये हमारी मुख्य 2 मांग है। रैलियों के दौरान जो है हमारी कोई भी गाड़ी सर्विस नहीं देगी, ये हमारा ऐलान हो चुका है, और जैसे बस वालों ने भी आह्वान किया है कि हमारी बसें जो है वो सर्विस नहीं देगी तो हमारी टैक्सियां भी जो है हिमाचल प्रदेश की वो सर्विस नहीं देगी मोदी जी की रैली में। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।